नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है योमगो न्यूज टुडे में। तो इस वक्त हम मौजूद है मानिगोंग सी युमी डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश में। तो आज अभी मेरा साथ है ऑल सी युमी डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट बोकेन हेमी। तो इसके साथ हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो बोकेन हेमी, आपको सबसे पहले स्वागत करती हूँ योमगो न्यूज टुडे में। थैंक यू योमगो न्यूज टुडे फॉर इनवाइटिंग मी टू दिस बाइट। तो सर, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप एज ए यूनियन में आने का आपका प्रपोज क्या है। मेरा यूनियन में आने का पर्पस तो मेरा स्टूडेंट्स भाई बहन को लेके, मेरा सीयू में जितना मेरा स्टूडेंट्स भाई बहन है उन सभी को लेके है, जो उन सभी का दुख दर्द है, कहीं भी उन स्टूडेंट्स लोग को तकलीफ है उसको लेके हम रिड्रेस एड्रेस कर देगा बोल के ये आने का पर्पस तो वैसे वो है। और स्टूडेंट और एजुकेशन सेक्टर को लेके मेरा बहुत बड़ा कंसर्न है सीयू में डिस्ट्रिक्ट को स्पेशली, क्योंकि हमारा सीयू में डिस्ट्रिक्ट जो 2019 में इस्टाब्लिश हुआ और यहाँ पे आप जो यूथ और स्टूडेंट्स का जो मैन्यूवरिंग्स है, अच्छा गाइडेंस बहुत अच्छा से दरकार है इसको। मैंने हमारा यहाँ सीयूएमई में एक लौता हायर सेकेंडरी मिल चुका होने का वजह से जो एजुकेशन में जो हमारा लड़का लोग को जो मिलना चाहिए उसमें बहुत सारा दिक्कत है वो लोग को, क्योंकि आप मानिगंग से लेके मिजुका का डिस्टेंस 110 किलोमीटर है, आप तातो से लेके मिजुका का डिस्टेंस जो है 50 किलोमीटर से, आप चाहते हुए भी ना चाहते हुए कि डे स्कॉलर तो बन ही नहीं सकता। और हमारा मिजुका में फुल्ली रेसिडेंशियल भी नहीं है, तो इसको लेके हमारा यही एक मतलब यहाँ पे आने का मेरा थीम, ये 3 साल 3 ईयर में मेरा मोटा मोटा यही रहेगा कि हम एजुकेशन सेक्टर को लेके हम जितना कर सके हम अपना हिसाब से, हमारा भाई बहन और जो मेरा माँ और बाप जो जितना आया में आने अब वो सी यू मी का उसका दर्द जो है और उसका तकलीफ है उसको मैं एड्रेस करना चाहूँगा, क्योंकि हम भी यहाँ से ही बिलोंग करता है जो मनीगंज से मैं पढ़ के आया, तो मैं ये माँ मेरा माँ और माँ बाप और मेरा सी यू मी का जितना भी आने आबो है उसका दर्द को मैं अच्छा से समझ सकता हूँ, फील कर सकता हूँ। क्योंकि आप देखिए क्लास 10 तक ही है हमारा मानेगोंग और हमारा तातो क्लास 10 तक ही है, तो क्लास 10 पास होने का बाद हमें अनदर डिस्ट्रिक्ट में भेजना पड़ता है एजुकेशन के लिए, या फिर आप ओइशांग जाता है या फिर आप ईटानगर जाता है या फिर आप पासीघाट जाता है, तो वहाँ जाके हमारा वहाँ तो घर तो होता नहीं, तो वहाँ पे रेंटेड होता है, तो रेंटेड में मैंने इतना कोर्स लिए होता है, आपका रेंटेड का कोर्स होता है, फिर आपका फूडिंग का होता है, फिर आपका स्टडी मटेरियल्स का अलग से कोर्स होता है, तो हमारा स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं मैंने यहाँ पे जो हमारा लड़का लोग है जो अच्छा से उस चीज़ में नहीं जा सकता, जो फाइनेंशियली जो प्रॉब्लम है वो बहुत सारा तकलीफें हैं उन लोगों का जो बाहर डिस्ट्रिक्ट में जाके भी, तो इसलिए मैंने मेरा तो मोटा मोटा कल ही मेरा ओथ टेकिंग सेरेमनी हुआ, तो ओथ टेकिंग सेरेमनी में मेरा मोटा मोटा 3 ही बात था, हमारा जो प्रेसिडेंट अफसु और अडीसू एपेक्स जिरबो जामो और दोजी थाना तराजी दोनों से कि ये जितना जल्दी हो सके हमारा मानेगंग को हायर सेकेंडरी अपग्रेडेशंस और हमारा तातो सेकेंडरी को हायर सेकेंडरी अपग्रेडेशंस के लिए, क्योंकि हम चाहता है कि मेरा भाई बहन मेरा आने आबो का साथ बैठ के एक पेरेंटियर केयर केयर का साथ जो एक इमोशनल सपोर्ट का साथ वो स्टडी करके आगे बढ़े, ऑफिसर बने, सोशल लीडर बने। अच्छा, तो हमारा यहाँ पे हैंड टू माउथ का जो आप चीज चलता है, आपके कॉमर्शियलाइजेशन इतना नहीं है यहाँ पे, हमारा एग्रीकल्चर भी आपका सब्सिस्टेंट एग्रीकल्चर होता है, तो इसका चलते बच्चा को पढ़ाने में बाहर डिस्ट्रिक्ट भेजने में बहुत सारा दिक्कत होता है, तो मेरा तो मोटा मोटा ये 3 ही मैंने एक पॉइंट है जो अपग्रेडेशन
मनीगोंग सेकेंडरी स्कूल टू हायर सेकेंडरी, बल जबकि मनीगोंग सेकेंडरी स्कूल का इस्टाब्लिश हुआ 1961 पे, जो इंडो चाइना वार से पहले से, तब से अभी तक यहाँ है। और हमारा मनीगोंग में पॉपुलेशन जो 6,000 है, तो यहाँ पे एक हायर सेकेंडरी का तो एलिजिबिलिटी तो है, ये यहाँ का टोपोग्राफी को देखते हुए, एक पॉपुलेशन को देखते हुए। और हमारा हेडक्वार्टर तथो में भी जरूरी है हायर सेकेंडरी का, तो यहाँ हायर सेकेंडरी होगा। मेरा बच्चा, मेरा भाई बहन, मेरा आने वालों का बेटी बेटा घर में बैठ के हाथ बता के, इतना फाइनेंशियली भी जरूरी नहीं होगा, उसको माँ बाप को भी मदद मिल जाएगा और पढ़ाई भी अच्छा से यहाँ से पढ़ के कल को वहाँ पे पढ़ कॉलेज के लिए बाहर जाके एक अच्छा ऑफिसर बन सकेगा। क्या है कि हमारा यहाँ से रेंट में पैसा इधर उधर से जुड़ के मैनेज करके आप बाहर डिस्ट्रिक्ट बेच भी लेता है, तभी भी वहाँ पे एक जो एक अपना पेरेंटल और उसका बाद जो इल्डर्स का सपोर्ट, गाइडेंस और इमोशनल सपोर्ट बहुत जरूरी होता है एजुकेशन सेक्शन में, तो वो नहीं मिलने का वजह से कहीं ना कहीं वो लोग डिस्कोरेज होके डिसकंटिन्यू कर देता है, कहीं ना कहीं दूसरा मैंने एक अलग एंगल में वो लोग जो इंगल वो जाके अपना एक दिशा ही बदल देता है लड़का लोग। तो ऐसे करके मैं बहुत कंसर्न हूँ हमारा स्टूडेंट सी यूमी के लिए, अगर ये रवैया रहा तो हमारा आगे जनरेशन जो हमारा आने वाला सी यूमी का पीढ़ी का वो बहुत ही मैंने नुकसानदायक है। तो और मेरा तीसरा बात है, जो बहुत सालों से जब मैं लास्ट इन जब मैं ISIDSU का एजुकेशन सेक्रेटरी था, तब से मेरा एक मैंने डिमांड था कि हमारा सी यूमी से भी कोई साइंटिस्ट बने ना, कोई डॉक्टर बने, कोई अच्छा अच्छा जो मैंने आयुर्वेदिशियन बने। तो उसके लिए हमारा यहाँ लोथा मिचुका हायर सेकेंडरी स्कूल पे साइंस स्ट्रीम होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे साइंस स्ट्रीम नहीं है तो हमारा यहाँ से साइंटिस्ट कैसे निकलेगा, हमारा यहाँ से डॉक्टर कैसे निकलेगा, हमारा यहाँ से अच्छा अच्छा आयुर्वेदिस्ट कैसे निकलेंगे। तो मेरा यही रिक्वेस्ट है कि मतलब स्टेट गवर्नमेंट से भी, आपका मीडिया का द्वारा से, कि मिचुका हायर सेकेंडरी में साइंस एंड कॉमर्स नेक्स्ट सेशन तक जैसे भी करके आप वहाँ पे इस्टेब्लिश कर देने से बहुत अच्छा है बोल के। आपकी एजुकेशन को लेकर काफी आपके विचार अच्छा है, लेकिन जितना आपने जिक्र किया उससे भी कई सारे समस्या को लेकर हम लोग देखने को मिलता है कि काफी सारे पेरेंट्स लोग की शिकायत आते हैं कि टीचर्स कमी है या टीचर अच्छे से क्लासेस नहीं करते, बच्चे को अच्छा कोर्सेस को पूरा नहीं कर पाते, इसके लिए बहुत सारा दिक्कतें होते हैं। इन